हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने जो नया अपडेट आया वो कर लिया है। आप भी कर सकते हैं। मैंने ये अपडेट किया है वो आईफोन पे किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है अपना ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर में जाके अपनी कंट्री रीजन को चेंज कर देना है। जैसे कि आपने अभी इंडिया किया हुआ है, वहाँ पे जाके आपने यूनाइटेड स्टेट्स या कोई भी कंट्री कर देनी है जहाँ पर ग्लोबल चल रही है गेम। यहाँ जैसे कोरिया कर दी तो कोरिया में तो नहीं होगी ग्लोबल, क्योंकि कोरिया में अपनी पबजी है। तो ग्लोबल करने के बाद आपको क्या करना है, जो पबजी की पहले एप्लीकेशन है वो डिलीट कर देनी है। तो उसको डिलीट करने के बाद आपने एक वीपीएन आता है, फ्री वीपीएन ओपन करके उसमें अपने नॉर्थ अमेरिका सर्वर कर देना। 3-4 ऐड आएंगी आधे घंटे के लिए, अब 2 घंटे वाला लगा लेना कम से कम। तो 2 घंटे वाला वीपीएन लगा कर नॉर्थ अमेरिका का, तब आपने जो पबजी का नया अपडेट है या फुल एप्लीकेशन है जो पबजी की, तो वो डाउनलोड कर लगा देनी है। थोड़ी स्लो होगी और आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आप एक बार वीपीएन पे खेल लेना। वीपीएन के पे खेलने के बाद आपको क्या करना है, आपको वीपीएन बंद करके दोबारा ओपन करनी है गेम। दोबारा ओपन करके आप फिर अपने जो भी नेटवर्क पे खेलते हैं इंडिया में, वाईफाई या डाटा नेटवर्क, फ़ोन नेटवर्क है कोई भी है ना, तो उस पर आपको खेलना है। तो आप इंजॉय कर सकते हैं 2.0। आप देख सकते हो मैंने भी अभी 2.0 खेला है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत वैसे तो नहीं आएगी, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि अगर दिक्कत आई तो आपको दोबारा चेक करना होगा कि आपका जो प्ले स्टोर का या ऐप स्टोर का कंट्री है वो चेंज हो गया या नहीं हो गया। तो अगर नहीं हुआ तो उसको दोबारा से चेंज करना है। उसमें काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, जैसे स्ट्रीट, पोस्टल कोड, सिटी नेम, कंट्री। तो वैसे हमने US कर ही दी तो वो तो कंट्री तो सेम ही रहेगी। स्टेट का भी नेम होता है जो वो भी अपना उसी कंट्री का वरना होता है, वो तो अपने आप पिक कर लेता है फ़ोन। तो उस पर जाके आपको क्या करना है, दोबारा चेक करना है प्ले स्टोर में। दोबारा चेक करके आपको मिल जाएगी, अपना पता चल जाएगा कि US है या नहीं है, या कोई भी और कंट्री जो आप करना चाहते हो। तो अगर वो है तो आप दोबारा ट्राई करना, आपको दोबारा डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हो मैं नया जो अपडेट आया है उसी पे खेल रहा हूँ अभी। रेंगल 2.0 भी आ गया है, आप देख सकते हो। थोड़ा सही किया है हमने डुओ में अभी चेक, लेकिन अच्छा है। ग्राफिक बहुत, मेरे को तो बहुत वीक लग रहे हैं, थोड़ी लैगी भी है गेम अभी। बाकी डाउनलोड करना है, सेटिंग करना है, बहुत कुछ करना है आगे। तो आप डाउनलोड करो और एंजॉय करो, थोड़ा सा देख लेना। अभी ट्रैंगल शुरू होगा, हम मिलिट्री बेस में करेंगे। तो ऐसा है कि भाई आपको कोई दिक्कत खास नहीं आएगी, स्पेशल कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीपीएन जो फ्री वीपीएन ना, वहाँ नॉर्थ अमेरिका का वीपीएन लगाना। नॉर्थ अमेरिका का जिस भी कंट्री का आप चेंज करोगे ना, अपना ऐप स्टोर प्ले स्टोर का कंट्री चेंज करोगे, तो उसी कंट्री का मतलब वीपीएन लगा लेना है। वीपीएन पे डाउनलोड करके उसके बाद आपको सिंपल अपने नेटवर्क पे आ जाना है, इंडिया वाले नेटवर्क पे। इससे क्या होगा कि आपको पबजी खेलने को मिलेगा, जो टिकटॉक भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे जो टिकटॉकर हैं उन्होंने तो बहुत कोशिश की होगी, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मैंने टिकटॉक भी देखा था पहले कि अगर टिकटॉक हुआ तो पबजी भी होगा। टिकटॉक भी हो गया था तो वो मैंने डिलीट कर दिया। कुछ खास चेंजेस नहीं है, बिल्डिंगों में थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, थोड़े ट्रीज वगैरह एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो आप खुद ही देख लो आगे। अभी आप देख सकते हो भाई यहाँ पे खुद रेंगल के हम मिलिट्री बेस में उतरेंगे। मिलिट्री बेस में उतर के हम थोड़ा सा जो साइड बिल्डिंग है उसी में उतरेंगे। सी का थोड़ा चेंजेस है और थोड़े बहुत ट्री ज़्यादा कर दिया है चारों तरफ, और थोड़ा घास भी बढ़ा दिया है। ग्राफिक थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं मेरे को, आप पहले से काफ़ी वीक हैं। और अभी आप एक काम कर सकते हो भाई, ये वीडियो का लिंक आप कॉपी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाई रूम मैचेस के लिए आप अपनी टीम के साथ खेल सकते हो हमारे चैनल पर, हम डेली रात को रूम बनाते हैं। और प्लीज़ लाइक वीडियो कर दो ज़रूर, और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखो आप थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं, ग्राफिक मेरे को तो काफ़ी वीक लग रहे हैं भाई। और भाई आ जाओ फिर डाउनलोड करके खेलते हैं।